सबसे पहले इस क्षेत्र में रहने वाले हमारे सारे जितने भी जनता है उन सबको मैं बधाई देता हूँ। चोपड़ा हो, फांसी देवा हो, सिलीगुड़ी हो, नक्सल माटीगाड़ा हो या पहाड़ी क्यों हो, सब जगह जो है बीजेपी को लीड मिली है और तीसरी बार लगातार ये हैट्रिक है बीजेपी का इस क्षेत्र में। और आप सबको ये जान के खुशी होगा, आपकी जानकारी में भी होगा कि हम लोग 4 लाख से ज़्यादा वोटों से इस बार हम जीते हैं और ये लोगों का प्यार है और मोदी जी के प्रति जो विश्वास है वो खूब देखने को मिला। मोदी जी का असर पहाड़ में भी, तराई में भी और डुअर्स में भी, और साथ ही साथ लोग त्रस्त थे टीएमसी से, दीदी की गुंडागर्दी से, तो एक हिसाब से उन लोगों के लिए तमाचा है जो लोकतंत्र के साथ खेल रहे थे और जो डेमोक्रेसी को जो है दिन ब दिन जो है और कमज़ोर करने चाह रहे थे। तो ये वास्तव में ये जीत देखा जाए तो मोदी जी की जीत है, मोदी जी की विकास की एजेंडा की जीत है और इस क्षेत्र में रहने वाले सारी जनता की जीत है। और आप सबके इस यहाँ के जनता के प्रतिनिधि होने के नाते जो कुछ भी वादे मैंने अपने इलेक्शन के दौरान किए हैं वो सब मैं 5 साल में पूरे करूंगा। आज मैं दिल्ली जा रहा हूं और कल से ही आपकी सेवा में मैं लगूंगा। और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे बीजेपी के लाखों लाख कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन एक करके इस चुनाव को सफल बनाया। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे जितने भी सहयोगी दल थे, चाहे वो GGM हो, GNLF हो, CPRM जैसी पार्टी जिनसे हमारा विचारधारा नहीं मिलता उन्होंने भी मुझे समर्थन दिया, उन सबको भी मैं बधाई देता हूँ। उनके कारण हम इतने ढेर सारे मतों से जीते हैं और मुझे लगता है हर एक विधानसभा में हमने लीड की है, ये अब तक की एक हिस्ट्री है और लैंडस्लाइड विन है। और इसके साथ ही मेरी जिम्मेदारी बड़ी है, मैं ये महसूस करता हूँ, लेकिन मैं अपनी जनता से बस ये जरूर कहना चाहूँगा जो कुछ भी मैंने इलेक्शन में बोला है वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं है, मुझे वो 5 साल में करके दिखाना है। और मैं चुनाव लड़ने के लिए आया इसीलिए कि इस क्षेत्र में रहने वाले अपने लोगों के लिए मैं कुछ खास कर सकूँ। बाकी सर अंत में मैं मीडिया को भी बधाई देना चाहता हूँ, निडर होकर के आपने बहुत सारे तथ्यों को, जानकारियों को पब्लिक के बीच में रखा, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था, मैं सब जगह नहीं जा पाया, लेकिन आपके माध्यम से मैं हर परिवार तक पहुंचा था और अपने आप में रिकॉर्ड था कि 12.5 लाख वोट हुए, उसमें से 7.5 लाख से ज़्यादा वोट जो है बीजेपी को और बीजेपी के कैंडिडेट को मिले। तो मैं मीडिया का भी बहुत बहुत आभारी हूँ और इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हो, मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी भी समाज से आते हो, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं और आप सब के लिए जितना भी विकास और सेवा का काम हो सकता है मैं ज़रूर करूँगा। अब आप पूछ सकते हैं, देखिए आज मैं कोई रेटिंग करके नहीं आया हूँ, पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, लेकिन देखिए हमारी बहुत पहली प्रायोरिटी ये है कि पूरे बंगाल आज अशांत है तो हमें इस क्षेत्र में शांति चाहिए। बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसके अंदर में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, वो मेरे प्रायोरिटी में होगा। तीसरा, इतने बड़े क्षेत्र के अंदर में एक भी ढंग का हॉस्पिटल नहीं होने के कारण यहाँ की जनता दुखी है, वो मेरी तीसरी प्रायोरिटी रहेगी। और अपने पहाड़ में रहने वाले जो गोरखास हैं कम से कम 200 वर्ष से वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर के जो है एक उनके मन में बहुत वो है, तो उसको मैं डील करूंगा। और भाजपा ने ये भी कहा है कि हम इसका कोई ना कोई परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन करेंगे। और इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले, चाहे वो सिलीगुड़ी का क्षेत्र हो, पहाड़ का क्षेत्र हो, डुअर्स का क्षेत्र हो, चाय बगान में भारी मात्रा में लोग काम करते हैं, तो उनके 2 प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो उनके ज़मीन के पर्चे पट्टे का विषय है और दूसरा उनका मिनिमम वेजेस का विषय है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे चीज़ें जो है प्रायोरिटी पे है, लेकिन उन सबसे भी ज़्यादा प्रमुख है कि हमें आज सबसे पहले हमें बंगाल में शांति चाहिए। और TMC ने इस पूरे वातावरण को ख़राब कर रखा है, दूषित कर रखा है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसी पार्टी से हमें डील करनी पड़ती है जो हमसे ही वोट लेती है और हमारी पिटाई करती है और हमारे ही को जो है पुलिस के थ्रू पकड़ा के जो है जेल के अंदर में ठूसने का काम करती है। तो मैं यहाँ की जनता से, जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, आपके लिए
मुझे जिस भी स्तर में टीएमसी के साथ भिड़ना पड़ेगा मैं भिड़ूंगा, और मेरी प्रमुख काम यही रहेगी कि किसी तरह इस पूरे क्षेत्र में मैं शांति को बहाल करूँ।